हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्राम पंचायत पोसालिया में जिला कलेक्टर का सघन दौरा। ग्राम पंचायत पोसालिया में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, एसपी हेमंत अभिलाष, शिवगंज एसडीएम भागीरथ चौधरी, तहसीलदार रणछोड़ लाल पालडी एम थाने से थाना राम सुजाना राम बिशोई, प्रवीण सिंह, हरीश राठौड़ आदि ने पंचायत क्षेत्र का सघन दौरा कर कोरोना पॉजिटिवों का हालचाल पूछा। जिला कलेक्टर ने पॉजिटिव व्यक्तियों से बात कर उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तथा पॉजिटिव व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है आदि का सघन जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने सघन दौरा उपरांत ग्राम पंचायत पोसालिया में कोर कमेटी की आकस्मिक बैठक ली। जिला कलेक्टर ने बैठक को बताया कि जिले में कोविड की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। ये लहर खासकर बच्चों को प्रभावित करेगी, अत्यंत हमें इसे रोकने हेतु हर संभव प्रयास करने चाहिए। अगर किसी प्रकार की समझाइश से काम ना हो रहा हो तो सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करवाया जाना चाहिए। इस हेतु प्रशासन हर संभव मदद के लिए तैयार है। इस मौके पर मेडिकल टीम द्वारा आसान तरीके से ऑक्सीजन लेने का तरीका बताया। कोर कमेटी के सदस्य जगाराम कुम्हार व राजेश सागर ने बताया कि ऑक्सीजन लेने की इस विधि से मरीज को सांस लेने में काफी सुविधा महसूस हो रही है तथा किसी भी आकस्मिक अनहोनी से बचा जा सकता है। कुम्हार ने संवाददाता को बताया कि बैठक में कोर कमेटी के अध्यक्ष शशि चौरडिया व डॉक्टर मदन लाल चौधरी व कंपोटर चंपालाल जशी, वगा पुष्पा सदस्य, मेडिकल टीम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायक, पंचायत सहायक, समाज सेवी मान सिंह, सेक्रेटरी ललित मीना व रूप सिंह विक्रम सिंह आदि ने भाग लिया तथा ग्राम पंचायत को कोरोना से हराने हेतु सभी ने एक स्वर में संकल्प दोहराया। ग्राम पंचायत कोविड टीम की कार्यशैली देख जिला कलेक्टर महोदय ने सभी को धन्यवाद दिया तथा आगे भी इसी प्रकार से कार्य करने की उम्मीद जाहिर की। और पुलिस चौकी से गणपत लाल बिशोई, निम्बाराम मीना, जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।